मैं बेकार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं काम क्या करूँ? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकूँ? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे अपनी बेरोजगारी को मैं खत्म कर सकूँ? क्या कोई ऐसा रास्ता है? मैंने हाई स्कूल किया, मैंने इंटर किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर डिग्री किया, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिला। क्या करूँ, क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, ये उन तमाम लोगों के क्वेश्चंस हैं, ये तमाम लोगों की परेशानियाँ हैं जो अक्सर जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है और जिनके पास कोई काम नहीं है। अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर छोटा काम कैसे करें? अगर मैंने मास्टर डिग्री कर लिया तो हम टेक्निकल काम अब सीखने का वक्त नहीं है, करें क्या? अगर सीखने का वक्त आपके पास नहीं है तो फिर किस चीज़ का वक्त है, जरा आप खुद बताइए। आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता है? अपने आप को कोसने के अलावा, अपनी परेशानियों को कोसने के अलावा आपके पास कोई रास्ता है? अगर रास्ता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर इसके लिए तीन रास्ते हैं, आप तीन बातों को मानिए, तीन बातों का को फॉलो करिए। पहली बात क्या है कि आप बेरोज़गार हैं, ये तो तय है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और मैं बात करता रहता हूँ। अगर आप बेरोज़गार हैं तो पहली बात सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। पहला काम, आप 24 घंटे के अंदर सोचिए, 24 घंटा आप वक्त दीजिए अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बीए हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन फिर भी नौकरी मेरे पास नहीं है, क्या घर पे बैठे रहूँ? ये इसका सलूशन है? बिल्कुल नहीं। मुझे क्या करना चाहिए, इस बात को सोचिए अपने आप से, एक बार नहीं हजार बार इस प्रश्न को करिए, मैं क्या करूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं। अगर शादीशुदा हो गए हैं तो बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, उनकी जिम्मेदारियां आप कैसे पूरी करेंगे? अगर आज आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बेशक आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं और आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आपने पढ़ाई किया और उस पढ़ाई पे आपको नौकरी नहीं मिली, सरकारी नहीं मिली, प्राइवेट नहीं मिली, छोड़ दीजिए, आज से अभी से आप काम करना शुरू करिए और सोचिए क्या करना है। कोई भी छोटा काम शुरू कर दीजिए, कोई भी छोटा काम आज से अभी से। अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करना, तो सबसे अगर मैं बात करूं, चाय बनाना आता है, चाय का स्टॉल लगाइए, लेकिन एक ठेले पे लगाकर बेचिए, शाम तक 500 रुपए आपके पास हो जाएंगे। ये भी नहीं कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर पढ़े लिखे हैं ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो चलो कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, इलेक्ट्रिशियन बिजली बनाने का आप काम सीख लो, बिजली का काम करना सीख लो, और किसी भी दुकान पे या ऐसे लोगों के पास आप जा सकते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन का या बिजली बनाने वालों का की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिशियन के लिए ये हाउस वायरिंग का, होम अप्लायंस का, ये एक छोटा काम है, आप 10 दिन का समय देंगे ये काम हो जाएगा, ठीक है, कम से कम 500 रुपये आपके हाथ में आ जाएंगे शाम तक। बेकार बैठने से अच्छा है, कुछ नहीं आता है आप गाड़ी चलाना सीखिए, कुछ नहीं आता है आप ड्राइविंग करना सीखिए, एक लाइसेंस लीजिए, सुबह से शाम तक गाड़ी चलाइए, शाम तक आपके जेब में 500 रुपये जरूर होगा। डियर स्टूडेंट, एक इस तरह से न जाने हजारों तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कब, जब आप सोचेंगे तब। मैंने क्या कहा, तीन बातें, पहली बात सोचिए, 24 घंटे का वक्त लीजिए अपने आप, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बात को सोच लीजिए, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस बात को सोच लीजिए। तो मुझे काम करना चाहिए क्योंकि मुझे जरूरत है, जिम्मेदारियां हैं, और उस चीज को करने। कल आप, क्या आपको अच्छा लगता है किसी से आप पैसे मांगते हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगता, यार मेरे पास पैसे नहीं, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो? अगर आपको ये बुरा लगता है और तो ये काम आज ही शुरू करिए, अभी से शुरू करिए, और वादा है मेरा आपसे, अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो वह ऊपर वाला 10 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। क्योंकि कहा गया है कि हिम्मते मर्दे मददे खुदा, जिसके अंदर हिम्मत होता है, जिसके अंदर हौसला होता है, वही इंसान कुछ कर पाता है। उन बहकावों में मत रहिए कि कोई आपको नौकरी दे देगा, उस बहकावे में मत जाइए कि कोई आपको लाकर रुपए दे देगा और आपकी देखते देखते सारी समस्या हल हो जाएंगी। यह एक झूठा सपना है, यह एक झूठा सपना है, और इस सपने में जीने की आदत खत्म करिए, सच्चाई में आइए। कोई बात नहीं, मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है, यहां तक कि कई लोग इंग्लिश से एमए करने के बाद भी अगर उनको काम नहीं मिला तो आज सब्जी बेचने का काम करते हैं। सब्जी बेचना कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छा पैसा कमाते हैं और उनका उनका परिवार चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास का काम चल रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप निर्णय लेने में डरते हैं,
आपको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, आपको डर है कि फेल हो जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में वह इंसान ही सफल हो पाता है जो फेल होने की क्षमता रखता है। अगर फेल होने की क्षमता रखिए, जो सही है उसको स्वीकार करने की क्षमता रखिए, फिर दुनिया में कोई भी इंसान आपको परास्त नहीं कर सकता। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं और मैंने किया है और लोगों को देखा है। आप आगे बढ़िए, आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। अगर कहीं मैं आपकी मदद कर पाऊं तो निश्चित रूप से मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। तो बैठ करके आप समय प्लीज अपना बर्बाद मत करिए। आ सकते हैं, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, पैसे का अभाव नहीं है, अगर 20,000 30,000 25 यानी 50,000 रुपए तक भी खर्च करने की स्थिति आपकी हो, अगर तो मैं आपके को और भी चीजें सजेस्ट कर सकता हूं, वह करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कब? जब आप मिलेंगे तब। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा और ये सोच के आइए कि सर मैं आज इस चीज में बात करूंगा, मुझे फोन करिए, मुझसे बात करिए। लेकिन हाँ, माफ कीजिएगा, मैं एक टाइम बताऊं, 9 बजे से 2 बजे तक ही मैं बात कर पाऊंगा आपसे। इसके बाद मैं समय देने में थोड़ा सा अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूं, कारण कि और लोग भी मेरा इंतजार करते हैं, कई चीजें शामिल हैं जिनके लिए वर्क किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है, प्लीज बैठ करके अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, क्योंकि बैठने से कोई सलूशन नहीं निकलने वाला है, बैठने से कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला है, और काम कोई भी छोटा नहीं होता है। आज निकालिए, आज समय निकालिए, 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्या करना चाहिए, कोई भी काम, एक टेक्निकल काम अपना लीजिए जिसकी नीड है समाज में, सोसाइटी में, और काम करिए। शर्माइए नहीं, शर्म छोड़ दीजिए। अगर शर्माएंगे तो फिर, अगर मैं भी शर्माता तो आपके पास नहीं होता, अगर मैं भी शर्माता तो किसी न किसी तीर्थ स्थान पर बैठा होता। लेकिन नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, मैं आपके लिए 2 कदम चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपको सिखाने का काम करता हूं। मेरे पास जितना है, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान मैं हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि दुनिया में जितने लोग हैं उनसे बेहतर सोच जरूर है, क्योंकि वह सोच आपको आगे बढ़ाने के लिए है और आपके साथ चलने के लिए है, इसकी गारंटी देता हूं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप इस बात को जरूर समझेंगे। अभी से सोचिए, तत्काल सोचिए, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देखिए क्या आता है, और फिर कदम बढ़ाइए। कुछ नहीं समझ में आता है मेरे पास आइए, कुछ नहीं समझ में आता है मेरे पास आइए, मैं जितना हो सकता है आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ट्राई जरूर करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा।